पिछोर थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर ने बजरंग दल के कार्यकर्ता की चाय की गुमटी को हटाकर थाने में रख दी, जिससे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में रोष है। बजरंग दल के कार्यकर्ता विजय पांडे, जिला महाविद्यालय छात्र प्रमुख रविंद्र शर्मा, जिला संयोजक सोनू पांडे, तमाम बजरंग दल कार्यकर्ता जिला उपाध्यक्ष राकेश भट्ट के साथ पिछोर थाने में इस समस्या को लेकर पहुंचे। बजरंग दल के जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि थाने के सामने ही अंडे के ठेले लग रहे हैं, खुले में मांस बेचा जा रहा है, प्रशासन उन पर कार्यवाही नहीं करता है, बल्कि ऐसे एक व्यक्ति पर कार्यवाही करता है जो अपने परिवार का पालन पोषण चाय की गुमटी से करता है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो आगे बजरंग दल के कार्यकर्ता इस बात की शिकायत को लेकर SP के पास भी जाएंगे। बजरंग दल के जिला अध्यक्ष राकेश भट्ट ने कहा कि पुलिस इस तरह का सौतेला व्यवहार बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से कर रहा है। एक तरफ खुले में अंडे और मांस बेचा जा रहा है और दूसरी तरफ आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। संवाददाता सचिन राज भट्ट की रिपोर्ट। राकेश भट्ट, बीच हिंदू परिषद, जिला उपाध्यक्ष, अच्छा बजरंग दल। अच्छा उपाध्यक्ष जी, आज आप सभी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग थाने आए हैं, क्या मामले को लेके आए हैं? ये डिब्बा रखा था हमारे एक बजरंग दल के कार्यकर्ता का, चाय का, चाय की गुमटी को वहाँ से उठवा के थाने में गजोर के रखवा दी कोई थानेदार ने, जबकि यहाँ अंडे के ठेला चल रहे हैं, मांस के ठेला भी चल रहे हैं। तो भाई जब उनको नहीं रोका तो इसको क्यों रोक रहे? कम से कम समस्या एक बार हमें बता देते, अगर तुम्हें आपत्ति थी तो हम हटवा देते वहाँ से। तुमने बिना सूचना दिए उसको उठा के थाने में बंद कर दिया, इससे हम सब लोगों की बेइज्जती है और आम सारे बजरंगियों में रोष है एक तरह से। तो अपन ये चाहते हैं कि TI साहब से बातचीत हो जाए कि भाई इस ठेला को वह जहाँ का तहाँ रखवा दें गुमटी को, नहीं अन्यथा फिर बजरंगी अपनी कार्रवाई करेंगे, फिर दिक्कत पैदा होगी। यहाँ करेंगे, ऊपर बताएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इस तरह का सौतेला व्यवहार? बिल्कुल सौतेला व्यवहार तो है ही, जब मांस के ठेला अंडा बेच रहा है तुम्हारे थाने के सामने और तुमने एक चाय की गुमटी को कचोर पर रख दिया। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं में रोष है और हम ये आशा रखते हैं कि TI साहब इसका समाधान निकालें, और अन्यथा अगर जैसे नहीं निकालते तो फिर कल आगे कार्रवाई FP से बात करेंगे।